हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शक्ति भारद्वाज। हम इसी सीरीज़ जो हमने सीरीज़ स्टार्ट करी थी लिमिट्स के टॉपिक को लेके, जो कि कैलकुलस का बहुत ही जाना माना टॉपिक है, शुरुआत है कैलकुलस की, उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग आ गए हैं। अब हम क्वेश्चंस डील करने वाले हैं लिमिट्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन है, मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स बताए थे, उन्हीं रिजल्ट्स को मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि पहला रिजल्ट था लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ज़ीरो, साइन एक्स ओवर एक्स इक्वल्स टू वन। इसी तरीके से हमारे पास चार रिजल्ट और थे, उन्हीं रिजल्ट के कॉम्बिनेशन से भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो हमें ये क्वेश्चन गिवन है बोर्ड पर जो मैंने लिखा हुआ है, तो इसमें थोड़ा आप लोग सोच सकते हैं कि आपके लिए ये वाला लॉजिक लग जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ज़ीरो कॉस एक्स माइनस वन ओवर एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। बट ये वाला कॉम्बिनेशन अगर आप इसमें लगाना चाहेंगे तो ये आपका बना देगा ज़ीरो अपॉन ज़ीरो। अगर आप डायरेक्टली भी लिमिट इसमें अप्लाई करते हैं, कॉस ज़ीरो वन, नीचे भी कॉस ज़ीरो वन, वन माइनस वन ज़ीरो, वन माइनस वन ज़ीरो, तब भी ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्मेट बन रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इस जो एक्सप्रेशन है उसको इसमें कन्वर्ट करके कुछ वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तब भी वो ज़ीरो बाई ज़ीरो ही बनेगा। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट अप्लाई नहीं हो पा रहा है, सिंस क्योंकि इसका एक्सप्रेशन जो है इसकी तरह दिख रहा है, तो आपके माइंड में बात स्ट्राइक कर सकती है। लेकिन हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलोज का इस्तेमाल करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक के जो कॉस टू एक्स वाला फॉर्मूला होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, या फिर वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, जो एप्लीकेबल हो जाए वहाँ पर, यहाँ पर हमारे वाले केस में, तो उस वाले फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गिवन एक्सप्रेशन, तो हमारे लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है, तो वो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन। और मैं इनको वन हटाने वाले फॉर्मूले के नाम से भी बताता हूँ बच्चों को, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें बताता हूँ कि ये आपको पता होना चाहिए। अगर कॉस एक्स माइनस वन या कॉस टू एक्स माइनस वन का अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन आता है, तो आप वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स यानी कि वन हटाने वाले फॉर्मूले, क्योंकि आपने अपने एक्सप्रेशन से वन हटाना है, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि वन हटाने वाले फॉर्मूले हैं। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जो बच्चे ट्वेल्थ में हैं वो इन दोनों फॉर्मूलेज की इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि ये फॉर्मूले किस तरीके से अलग अलग जगह पे बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा यहाँ पर माइनस वन। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर जितना एंगल होता है, उसका हाफ एंगल हो जाता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, क्योंकि कॉस टू एक्स का फॉर्मूला है, तो टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। अगर यहाँ पर आप एक्स कर देंगे तो यहाँ पर एक्स का हाफ हो जाएगा एक्स अपॉन टू, तो इसलिए फॉर्मूला बन गया वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस वन। तो यहाँ पर वन से वन कैंसिल आउट हो गया, आप देख सकते हैं। तो आपके पास क्या बचा ओवरऑल, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू। तो आप माइनस टू से माइनस टू भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा स्पेस इसलिए छोड़ा है क्योंकि मैं यहाँ पर इस आइडेंटिटी, मतलब इस रिजल्ट का इस्तेमाल करने वाला हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ज़ीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू वन। ये रिजल्ट हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं पिछली वीडियो में, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स। तो आपको मैंने कहा था कि आपको अपने सवाल को इस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर है साइन स्क्वायर एक्स, तो आपको एक्स स्क्वायर से यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका ये जो फॉर्मेट है इस टाइप का बन जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर अपॉन फोर से अगर आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अपना पैटर्न नज़र आ जाएगा। तो इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीके में इस तरीके से लिखा जा सकता है, साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब सिंस लिमिट की प्रॉपर्टीज से ये एक रैशनल फंक्शन है, तो आप इसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, साइन एक्स अपॉन टू अपॉन एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फोर। तो लिमिट सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आगे हमने क्या करना है। इसी तरीके से अगर आप देखें लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू वन होता है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी वन स्क्वायर, नीचे हो जाएगी वन स्क्वायर अपॉन फोर। तो इसको अगर आप सिंपलीफाई करेंगे इट विल सिंपली बिकम
और इसको सिंप्लीफाई करने पे आपका आंसर 4 आ जाएगा। तो किस तरीके से आपने देखा कि हमारे पास एक क्वेश्चन था जो ऐसा अगर हम करने की कोशिश करते तो 0/0 बनता, लेकिन हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मुलों का इस्तेमाल करके हमने अपने क्वेश्चन को इस तरीके से डील किया और इस वाले रिजल्ट को यूज़ करते हुए हमारा जो लिमिट का आंसर था 4 आया। तो आप देख सकते हैं कि लिमिट के अलग अलग क्वेश्चन के लिए किस तरीके से अलग अलग अप्रोच होती है सॉल्व करने की। तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक के ही हैं, मैं अभी कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं लाया हूँ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, आपको लिमिट से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट बिलो कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन मैं ले करता हूँ सॉल्व, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ज़ीरो साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स। तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन है जिसे हम लोग डील कर रहे हैं, तो ये भी इसी रिजल्ट पे बेस है, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ज़ीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू वन। तो मैं इस टाइप के जो रिजल्ट्स होते हैं, इस रिजल्ट से बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनके एप्लीकेशन को हम लोग यहाँ पर डील कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, तो मैंने जैसे बार बार बता रहा हूँ कि जैसे आपका जो एक्सप्रेशन है वो इस टाइप का बनना चाहिए, ये इस टाइप का एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है ए एक्स साइन का एंगल और यहाँ पर है बी एक्स, तो ये दोनों अगर जब तक ये एंगल और ये जो डेनोमीटर की वैल्यू है सेम नहीं होगी, तब तक आप वो रिजल्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए आपने कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल चीज़, अगर यहाँ पर ए एक्स है तो आप ए एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए और बी एक्स को सेपरेट कर दीजिए। फर्दर आप देख सकते हैं एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और आपकी लिमिट इस वाले पोर्शन में लग जाएगी, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ज़ीरो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, जो कि वन पे कन्वर्ज हो जाएगा और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा ए अपॉन बी। तो जिस तरीके से देखा कि आपने किस तरीके से आप लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये आसान होता है लिमिट को सॉल्व करना और इन रिजल्ट से बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है जो बताए गए हैं आपको। इसी के साथ हम दो तीन क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगले रिजल्ट पे बेस्ड है, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू वन एक्स टू द पावर 15 माइनस वन ओवर एक्स टू द पावर 10 माइनस वन। ये क्वेश्चन है आपका, ये इस रिजल्ट पे बेस है जो कि मैंने आपको बताया था, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू एक्स की पावर ए माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, जो कि कन्वर्ट करता है एन ए की पावर एन माइनस वन पे। लेकिन उसके लिए आपका क्वेश्चन उसमें कन्वर्ट होना चाहिए। अगर आप इसमें डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 0/0 फॉर्म आपको नज़र आ रोगी, 1-1 0, 1-1 0, 0/0। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूमरेटर पार्ट में x की पावर 15 माइनस वन है, तो 1 को आप 1 की पावर 15 लिख सकते हैं, तो x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 अपॉन नीचे क्या होना चाहिए, x माइनस ए होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, x माइनस 1 से न्यूमरेटर पार्ट में डिवाइड कर दिया, सिमिलरली x माइनस 1 से मैंने डेनोमिनेटर पार्ट में भी डिवाइड कर दिया, 1 की पावर 10 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो लिमिट होती है, जैसा कि आप जानते हैं, हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सिंस इट इज़ अ रैशनल फंक्शन आप कर सकते हैं। तो ये आपका न्यूमरेटर पार्ट बन गया, आप देख सकते हैं, और ये आपका डेनोमिनेटर पार्ट बन गया। तो अगर आप ये देखिए, इस फॉर्मेट में मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए, ए यहाँ पर 1 है, एक्स की पावर एन, एन 15 है, 1 की पावर एन 15, एक्स माइनस 1, सिमिलरली डेनोमिनेटर पार्ट को भी कन्वर्ट कर दिया गया है। तो जो ये एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से आपका फाइनल आंसर देता है n। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पर n है आपका 15 इंटू ए कितना है, 1 की पावर 15 माइनस 1, सिमिलरली 10 इंटू 1 की पावर 10 माइनस 1, जिसको सिंप्लीफाई करने पर 15 अपॉन 10 या फिर 5 3 15 5 10, दिस इज़ योर फाइनल आंसर 3/2। तो आप देख सकते हैं आपके पास इतना बड़ा क्वेश्चन था, उसको हमने थोड़ा सा दिमाग लगा के सिंप्लीफाई किया और इस रिजल्ट का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया है ये क्वेश्चन भी। इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और। अब एक क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा बच्चों को, जो कि मॉडुलस से रिलेटेड होता है, क्योंकि बच्चे मॉडुलस वाले क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा गलत करते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि मॉडुलस फंक्शन की लिमिट को कैसे सॉल्व किया जाता है और उसे गलत तरीके से सॉल्व कर देते हैं। तो जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ज़ीरो एफ एक्स, वेयर एफ एक्स इक्वल्स टू
मॉड एक्स अपॉन एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड जीरो वेर एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो आपसे जीरो पे इसकी लिमिट पूछ रहा है, तो आप फंक्शन को अगर रीड कर पा रहे हैं एग्जैक्टली जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जा रही है, और जब जीरो नहीं है तब वो मॉड एक्स अपॉन एक्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब आपका जो फंक्शन है व्हेन एक्स डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगर एक्स जीरो नहीं है तो एक्स क्या होगा, या तो एक्स जीरो से छोटा होगा या फिर एक्स जीरो से बड़ा होगा। अगर आपका एक्स जीरो से छोटा रहा तो मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होती है, ये मॉड फंक्शन की डेफिनेशन होती है, तो बन गया माइनस वन। और अगर आपका एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा रहा तो मॉड एक्स प्लस एक्स बन जाता है, जो कि सॉल्व हो गया आ गया वन। तो आपका जो सवाल है कुछ इस तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस वन व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एंड जीरो व्हेन एक्स इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, और आपसे लिमिट पूछी गई है जीरो पे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट। अब मैंने बताया था जब भी कभी फंक्शन किसी पॉइंट पे ब्रेक होता है, जैसे जीरो पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है और आपसे लिमिट भी इसी पॉइंट पे पूछी जा रही है जीरो पे, तब आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, आपका पॉइंट क्या है जीरो, जीरो से पहले फंक्शन क्या है, आपको जीरो से पहले फंक्शन देखना है क्या है आपका, माइनस वन। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा माइनस वन। सिमिलरली जीरो के बाद फंक्शन क्या है, जीरो के बाद है फंक्शन वन, तो जीरो के बाद फंक्शन आ गया वन, जिसकी लिमिट सॉल्व करने पर वन आ गया। और एक बात और हम इस क्वेश्चन से सीखते हैं, क्या अगर हम किसी भी कॉन्स्टेंट फंक्शन की लिमिट निकालते हैं तो कांस्टेंट फंक्शन ही आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक्स ही नहीं है तो आप इस वैल्यू को कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, तो इसलिए आपकी लिमिटिंग वैल्यू आपको पता चल गया आ गया। तो यहाँ पर आपने एलएचएल निकाला और यहाँ पर आरएचएल निकाला। और दूसरी बात जो हम इस सवाल से सीखने वाले हैं कि अगर एलएचएल और आरएचएल बराबर नहीं आते हैं, सो लिमिट इज़ नॉट डिफाइंड इन दैट केस, लिमिट इजंट डिफाइंड। LHL और RHL वाले केस में क्या होता है, अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आपका LHL और RHL बराबर आना चाहिए, और अगर आपकी लिमिट एल के LHL और RHL बराबर नहीं आते हैं, सो लिमिट इज़ नॉट डिफाइंड, यू कैन से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, आप ऐसा भी कह सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जो बच्चे हिंदी मीडियम के लिए पढ़ते हैं उनके लिए लिखा होता है लिमिट, यहाँ पे सीमा यहाँ पे परिभाषित नहीं है या फिर अपरिभाषित हो गया यहाँ पर लिमिट। हम सॉल्व कर समय लिमिट इज़ नॉट डिफाइंड का मतलब ये होता है कि बिल्कुल भी ज़्यादा परिभाषित नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने मॉड से रिलेटेड डील किया, और मैं मॉड का एक और क्वेश्चन आपको जो कि बहुत ही सिंपल सा होता है वो डील करना बताता हूँ। मॉडलेस फंक्शन जो होता है बहुत ही ज़्यादा वैरायटी रखता है क्वेश्चन में, अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं मॉडलेस वाले क्वेश्चन में। एक लास्ट क्वेश्चन हम डील करेंगे, उसी के साथ हम अपनी वीडियो को भी एंड करना चाहेंगे। यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू फाइव एफ एक्स, वेयर एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस फाइव, एंड दिस इज़ योर क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मॉड रहे तो यहाँ पर भी हम फंक्शन को बदल देते हैं कि जीरो से पहले फंक्शन नेगेटिव रहेगा या जीरो के बाद फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, एंड सो ऑन। लेकिन आपको सबसे पहले देखना है आपने अपनी लिमिट कहाँ पे निकालनी है। आपने अपनी लिमिट निकालनी है फाइव पर, और ये मॉड एक्स जो होता है वो जीरो से पलटता है, तो यहाँ पर हम एलएचएल और आरएचएल के कॉन्सेप्ट को यूज़ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। यहाँ पर आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें उस फॉर्मेट का, क्योंकि आपको फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको लिमिट चेक करनी है एग्जैक्टली फाइव पे। तो मॉडलस वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, हमेशा ही वो एलएचएल आरएचएल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता है कहीं कर पर। जैसे कि मैंने एक मेथड बताई, जस्ट पुट द वैल्यू इन, यानी कि आप डायरेक्टली वैल्यू को उसमें सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में किया था, डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये आ गया है, तो इस लिमिट का आंसर सीधे हो गया क्योंकि ये डायरेक्टली सॉल्व हो गया। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। जो हमने क्वेश्चन ये डील किए हैं वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ठीक है। जैसा कि आपने देखा कि हमने जो क्वेश्चन डील किए हैं ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। अगर आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे जो कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे, और मेल भी किया जा सकता है। मेरी ईमेल आईडी ये है shakti.mj007@gmail.com। जो बच्चे मेरे से कांटेक्ट करना चाहे वो मेरे ईमेल आईडी या मेरे व्हाट्सएप नंबर या फिर मेरे को नीचे कमेंट भी कर सकते हैं।
अगर आपको ये लेसन समझ में आते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और जिन बच्चों को लैंग्वेज के साथ प्रॉब्लम है, अगर वो चाहें हिंदी में थोड़ा, अगर मैं बताना चाहूँ, जो स्टेट बोर्ड के बच्चे होते हैं उनको इंग्लिश लैंग्वेज में समझने में दिक्कतें होती है, वो भी मुझे बताएं, ताकि मैं उनके लिए भी थोड़ा और अपना वीडियो बनाने में थोड़ा और ज़्यादा सोचूँ किस तरीके से मेरे को पोर्ट्रे करनी है वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, लिमिट्स का हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। हम अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यूटी के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।